एनालिसिस करेंगे बीएससी स्टॉक का देखेंगे बीएससी में फ्यूचर में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे है स्टॉक ने आज के रिंग क्लोजिंग किया तेईस सौ दस रुपये के पास ऑलमोस्ट देखेंगे तो प्रीवियसली हम लोग को दस पंद्रह दिन से स्टॉक ऑलमोस्ट तेईस सौ रुपए के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा जो कि स्टॉक का ऊपर की तरफ रेंज है एक तो जो कि रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा है स्टॉक के लिए जो कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का लेवल है और नीचे की तरफ स्टॉक का एक रेंज है जो कि टू ट्वेंटी टू हंड्रेड का तो जब तक स्टॉक ये तीन सौ रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा स्टॉक में हम लोग को कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा स्टॉक में थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरावट देखने मिलेगा लेकिन फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा देगा लेकिन ऊपर की तरफ मोमेंटम कब मिल सकता है स्टॉक में एटलीस्ट अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया तो एक पच्चीस सौ रुपये के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करना पड़ेगा स्टॉक में क्योंकि प्रीवियसली स्टॉक ट्राई किया था ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करने का लेकिन स्टॉक सक्सेसफुल नहीं रहा और नीचे की तरफ गिरावट दिखा दिया तो यहाँ से जब भी स्टॉक ट्वेंटी फाइव के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता है बी में तो कोई फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है स्टॉक में तो ट्वेंटी फाइव के ऊपर सोचे बाय करने का क्योंकि जब तक स्टॉक ट्वेंटी फाइव के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक थोड़ा नेगेटिव एक्टिव स्टॉक में नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि 2200 का सपोर्ट है तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो 2200 रुपीस के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा क्योंकि अगर एक बार 2200 रुपीस के नीचे स्टॉक निकला तो हम लोगों को नीचे की तरफ स्टॉक में 1800 सौ तक का भी लेवल देखने मिल सकता है क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने प्रीवियसली हम लोग को मोमेंटम दिखाया हायर हाई तो स्टॉक में थोड़ा करेक्शन बाकी है तो ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है अगर एक बार पच्चीस सौ रुपये के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनका पहला टारगेट होगा जो कि थ्री थाउजेंड रुपीज तक का होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब सा से स्टॉक पैंतीस सौ चार हजार रुपये तक का लेवल इजीली दिखा सकता है क्योंकि प्रीवियसली जिससे आपसे मोमेंटम दिखाया अगर एक बार ब्रेकआउट होगा फिर से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का तो ऊपर की तरफ फिर से हायर हाई बनना चालू हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको कोई दूसरा स्टॉक का एनालिसिस करवाए तो नीचे स्टॉक का नाम कमेंट करें